फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इंडियन प्लांट किंगडम की एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पर आयुर्वेद में लंबे समय से औषधि रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी फ्रेंड्स, आज इसको औद्योगिक क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। औषधि गुण के साथ साथ इसको औद्योगिक क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेडिसिन के साथ साथ कई क्षेत्रों में और भी इसकी उपयोगिता है। फ्रेंड्स इसका नेम है, इसको हिंदी में अरंडी, अरंड कई नामों से ये जाना जाता है। फ्रेंड्स कस्टर्ड ऑयल के नाम से इसकी रेमेडी भी बनती है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ इसका जो साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स वो है रिसिनस कम्युनिस, RICINUSCOWMUNIS। फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, जिससे कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक ट्रांसफर होती रहे और वो एक नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ करें और नेचुरल जो रेमेडीज है उसकी जानकारी भी लोग रख सकें। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका जो पौधा होता है, जैसा कि आप ने बताया कि ये इसका जो पौधा होता है फ्रेंड्स ये 12 मासी होता है, यानी कि 12 माह ये रहता है और इसकी जो झाड़ रहती है ये तैयार रहती है फ्रेंड्स। और ये लगभग जुलाई अगस्त के सीजन में जैसे बरसात होती है तो ऑटोमेटिक कई क्षेत्रों में ये उग जाता है। इसकी खेती भी सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है, क्योंकि जो फॉरेन में इसको पेट्रोलियम पदार्थों की जगह पे ईंधन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है, इनके प्रदूषण को देखते हुए इस चीज़ का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे पॉलिश भी बनते हैं, इसके कलर बनते हैं, ड्राई बनती है और बहुत सारी चीज़ें और भी इसकी बनाई जाती है, जैसे गम भी बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लुब्रिकेशन जो पदार्थ होते हैं लुब्रिकेटेड, उसको भी तैयार किया जाता है फ्रेंड्स। अब हम पॉइंट पे अपने आते हैं, क्योंकि अपने को बात करना है औषधि चीज़ों के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसका जो पौधा होता है, जैसा कि अपन ने बताया फ्रेंड्स कि 12 मासी होता है, इसमें जो फूल होते हैं गुच्छे में लगते हैं और इसके जो बीज होते हैं उसके गोले आकार का एक प्रकार का आप समझ सकते हैं, जैसे आपने आंवला देखा होगा तो उससे बहुत छोटे लेकिन उसके ऊपर धारी रहती हैं और उसके अंदर कभी 3 कभी 4 कभी 5 बीज निकल जाते हैं। और इसका जो बीज होता है बीज के ऊपर छोटा सा सफ़ेद सफ़ेद यानी कि व्हाइट कलर का एक स्पॉट बना रहता है इसके बीज के हेड में। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि लगभग 5 से 6 बीज होता है, जनवरी फरवरी में ऑटोमेटिक इसका जो फल होता है वो पक जाता है और वो ऑटोमेटिक वो फट जाता है और उससे इसके जो बीज होते हैं वो निकलते हैं। अक्सर इसके पेड़ के आप नीचे जाएंगे तो आपको जनवरी फरवरी मार्च महीने में आप देखेंगे कि उसके पेड़ के नीचे आप अगर उस बीज को कलेक्ट करें तो बहुत सारी आपको बीज मिल जाएगी, क्योंकि पौधे से वो अलग हो जाती है, यानी कि उसका जो फल होता है उससे अलग हो जाती है। एक फल के अंदर करीब 3 से 4-5 तक बीज निकल जाती है फ्रेंड्स। इसी बीज का दवाइयां बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो हम लोग आइए पॉइंट में बात करते हैं फ्रेंड्स। इसके जो मेडिसिनल गुण है, ये सबसे पहला ये लैक्सेटिव होता है फ्रेंड्स, यानी कि जिसको क्रॉनिक नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर से जिसका पेट नहीं साफ होता है या कि 2-3 दिन तक लगातार उसको कब्जियत बन गई है, उस कंडीशन में आप इसको दे देते हैं। इसके ऑयल का कुछ बूंद आप 5 से 7 बूंद तक दे देते हैं तो पेशेंट को आप देखेंगे उसका जो लूज मोशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और 4-5 बार नेचुरल तरीके से होगा, उसको कष्ट भी नहीं होगा और धीरे धीरे फिर वो ठीक हो जाएगा। हाँ, पानी को उबाल के जरूर देते रहिए, जिससे पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना होने पर शरीर हाइड्रेट बनी रहे। फ्रेंड्स अगर क्रोनिक है और लंबे समय से पेट नहीं साफ हो रहा है, कस्टर्ड ऑयल देने के बाद भी पेट नहीं साफ हो रहा है, उस कंडीशन में फ्रेंड्स अपन देते हैं क्रोटांटिक। क्रोटांटिक का मतलब ये हो, इसको साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स, इसकी जो रेमेडी आती है जिसको अपन हिंदी में जायफल कहते हैं या कि जयपाल कहते हैं और लोग इसको जमाल घोटा भी कहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका 2 से 3 बूंद ही, इसका जो टिंचर आता है उसका भी ऑयल का ही तैयार किया जाता है, उसका 2 से 3 बूंद ही देना है। लेकिन ध्यान रखिए कि पेशेंट को उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए कई चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसको डायरेक्ट आप नहीं लीजिएगा क्रोटांटिक को, इसको जो चिकित्सक होंगे उनके मार्गदर्शन में ही लीजिएगा। ये क्या है इसको ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इनका मदर टिंचर्स आता है, यानी कि मेन अर्ग बन के आता है और उसी को अपन लोग इस्तेमाल करवाते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा चीज़ इसके अंदर जो विशेषता होती है, अपने पॉइंट में आते हैं कस्टर्ड ऑयल में, यानी कि जो इसका टिंचर से बनता है रिसिनस कम्युनिस में, इसमें अगली विशेषता ये फ्रेंड्स कि वीकनेस, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो वीक रहते हैं। इसके साथ साथ ये लैक्टेटिंग मदर के लिए बहुत अच्छा है, जो मदर बच्चे को दूध पिलाती है यानी कि नर्सिंग मदर के लिए बहुत अच्छा है, जिनको दूध यानी कि प्रॉपर नहीं सिक्रेशन हो पाता, बच्चे के लिए इतना भी दूध नहीं निकल पाता कि बच्चा प्रॉपर माँ का दूध पी सके और उसकी जो भूख है वो समाप्त हो सके,
ऐसे माँ को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका जो टिंचर है उसको 5 से 10 बूंद हर 1-1 घंटे के अंदर में अगर देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 72 घंटे से लेके लगभग 100 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि लगभग 3 से 5 दिन के अंदर अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। उसका जो मिल्क का सिक्रेशन है वो नेचुरल तरीके से होने लगेगा और बच्चे को प्रॉपर दूध मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसका की पॉइंट है कि जिन मदर के प्रॉपर मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता, बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, यानी कि उनका बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाता, उसकी भूख समाप्त नहीं हो पाती, उनके लिए यह रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि स्किन डिसीज के लिए उपयोग होता रहा है फ्रेंड्स, ये रूमाटाइड अर्थराइटिस के लिए, रूमाटाइड फैन के लिए, फीवर के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती हैं। इसकी पत्ती चोट लगने के बाद, या कि जिसको अर्थराइटिस है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया, उस कंडीशन में इसकी पत्ती को गर्म करके उस जगह पर रखा जाता है, उससे भी पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया है, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कोई भी चिकित्सा करने के पहले जो उसके एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, उससे एक बार जरूर सलाह ले लें, जिससे कि कभी कुछ समस्या होने के बाद आप उसको कंट्रोल कर सकें या कि चिकित्सक आपकी कंट्रोल कर सके। डायरेक्ट अगर आप कर लेते हैं कुछ होने के बाद, आपको उसका जो एंटीडोट होता है वो नहीं पता होता, तो परेशानी भी कई बार हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने चिकित्सा वैद्य के मार्गदर्शन में ही लें।